नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर टूटी फूटी सड़कें, जगह जगह जलभराव और बदहाल सफाई व्यवस्था जैसे स्थानीय मुद्दे बिहार नगर निकाय चुनाव के शोरगुल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। चेयरमैन पद की प्रत्याशी इन मुद्दों को भूलकर कोई पार्टी की छवि के सहारे तो कोई अपने परिवार के सदस्यों के कंधे का सहारा लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। विकास के मुद्दों की नहीं, जाति धर्म के समीकरणों की गुणाभाग की जा रही है। वादे तो सभी लंबे लंबे कर रहे हैं, लेकिन जनता किससे प्रभावित होगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इन मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं लगा रहा है। इस बीच हमारी ए न्यूज टुडे की टीम पहुंच गई है बिहार के ही हथुआ नगर पंचायत के प्रीतम शाह टोला गांव में, और वहां की जनता से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वो किन मुद्दों पर वोट डालेंगे और अपने परेशानियों के निवारण के लिए वो आखिर किस चेयरमैन प्रत्याशी से उम्मीदें लगाई बैठी है। जरा आप भी सुनिए प्रीतम शाह टोला गांव के निवासियों के मुद्दे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। इस समय हम गोपालगंज जिले के हथुआ नगर पंचायत में हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये किन मुद्दों पर वोट देंगे, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो हर एक प्रत्याशी आते हैं और आकर के अपना दावा करते हैं, अपने वादे करके जाते हैं, लेकिन प्रत्याशी अपने वादों पर कितने खरे उतरेंगे और जनता को किन तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये पहले जो क्षेत्र था ये यहाँ पे मुखिया हुआ करते थे और ये नगर पंचायत में आ गया है, तो यहाँ पे सभासद और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो है वो खड़े हैं और आगे वो अध्यक्ष पद पर आएंगे तो वो जनता को किए हुए वादे पर कितने खरे उतरेंगे और जनता किनसे उम्मीदें रखती है ये भी जानेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? अली हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? प्रीतम सागर टोला के। प्रीतम सागर टोला के रहने वाले। ये बताइए हमको कि निकाय चुनाव आ गया है, हाँ, और हर एक प्रत्याशी जो है वोट मांगने आ रहा है, मुद्दा क्या रहेगा, आप किन मुद्दों पर वोट? मुद्दा यही होगा कि जो हमारे महल का गाँव का सही सलामत मेगा काम करे तो उसी को वोट देंगे, नहीं करेगा जेब भरेगा उसको नहीं देंगे। जो जेब भरेगा उसको वोट नहीं, नहीं 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 मिलेगा। पूरे बस्ती से, पूरे गांव से, मतलब पूरे गांव से हम कह रहे हैं कि आपको जिता रहे हैं, आप हमारे क्षेत्र के काम कीजिए, आप नहीं कीजिएगा वो पैसा जेब में रखिएगा। ऐसा कैंडिडेट हमको नहीं चाहिए, वैसा नेता हमको नहीं चाहिए। वार्ड वाला है तो चला जाए, उसको बात नहीं, जो हमारा काम सही सलामत करता है वही अच्छा है, उसी को वोट हम लोग देंगे। ये 7 तारीख का फैसला हम लोग करेंगे। 7 को कि 9 को? 7 को हम लोग फैसला करेगा, 9 को वोट देंगे। अच्छा, 7 तारीख को फैसला करेंगे, यानी 2 दिन पहले जो है वो जनता फैसला करेगी कि कौन सा प्रत्याशी सही है, कौन सा प्रत्याशी गलत है, किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है वो सिस्टम पर कहीं ना कहीं वार कर रहा है और भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इससे जो है यहाँ की जनता काफी परेशान हो चुकी है। क्या नाम है चाचा आपका? मधुद अंसारी। निकाय चुनाव आ गया है, किन मुद्दों पर वोट देंगे? जो बोले वही बात है, सेम जो चाचा बोले वही है, सेम सेम। क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हम लोग का कोई मुद्दा, किस तरह की समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? जो चाचा सेम बोले वही बात है बस, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। जी, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, हम लोग तो मजदूर आदमी है, वोट देता है कुछ हम लोग का मिलता नहीं है, फायदा क्या है, जीत जाता है कुछ मिलता नहीं है। राशन देगा वो देगा, कुछ भी नहीं देता है। अब तो मुखिया नहीं है यहाँ पे, अब तो नगर पंचायत में आ गया है, तो अब यहाँ सभासद होंगे और अध्यक्ष होंगे, चेयरमैन जो हैं, कुछ नहीं देता है हम लोग को, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, जिसका खेती पता रहा है उसका राशन मिलता है, जिसको नहीं है नहीं मिलता है, एक छटाक भी नहीं मिलता है, लंगड़ा आदमी हम लोग। किससे उम्मीदें हैं? उम्मीद जो काम सही करेगा उसी के देगा आप लोग। और किन तरीके की समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ता है इस गांव में? नहीं, और समस्या तो हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, वोट मांगने हर एक प्रत्याशी आते हैं, क्या कहते हैं? कहता है हमारा के दो भाई, हमारा के दो भाई, हाँ भाई साहब के देगा। देखिए, चुनाव का समय जब आता है तो वोट मांगने हर एक प्रत्याशी आते हैं, पैर तक पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमें वोट दीजिए, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं वैसे ही वो क्षेत्र से तो छोड़िए पूरी इस जिले से जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसे में देखिए और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे और आप तो भागने का लगे थे। हम किधर भाग रहे हैं, जा रहे हैं? भाग तो रहे थे आप। बोलिए क्या बोल। निकाय चुनाव आ गया, किन मुद्दों पर वोट देंगे? किसी पे देंगे, जो अच्छा काम करेंगे उस पर देंगे, उसमें क्या है। क्षेत्र में किन तरीके की समस्याओं का आप लोगों को सामना करना पड़ता है? क्षेत्र में तो मानते हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि सब आदमी मानते हैं कि क्षेत्र में
हमेशा उठते हैं, कोई काम नहीं करते, जीतने के बाद में उसके बाद में कोई अपने अपने जिले के अपने गांव को समझते हैं, बाकी गांव को छोड़ देते हैं। वोट मांगने तो सब आ रहे हैं। तो वोट मांगने आ रहे हैं ठीक है, मतलब कुछ काम नहीं करते ना, जीतने के बाद में भी कोई काम नहीं करते, इधर कुछ भी काम नहीं करते हैं। गांव में क्या काम किए? पहले यहाँ पे मुखिया हुआ करते थे, अभी नगर पंचायत में आ गया है क्षेत्र, अभी यहाँ पे सभासद और चेयरमैन होंगे। मुखिया तो मानते हैं कि बहुत मुखिया उठ गए हैं, बाकी कोई काम नहीं देखा है गांव में, कोई भी गांव नहीं काम ही नहीं देखा है। अध्यक्ष पद प्रत्याशी से उम्मीदें हैं आपको? अभी उम्मीद किसे किया जा सकता है, प्रत्याशी आ रहे हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहते हैं? मिल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि विकास का काम करेंगे, हम बाहर रहते थे अभी आए हैं, घर वाले बताएंगे कि कौन सही है। मुद्दा क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही है जो भी लाइट का है, रोड का है, हर एक बंदे का किसी न किसी चीज का पेपर वर्क होता है, जाए तो अच्छे से बात करे, बात आदमी को समझे कि ये किसी मसले से हमारे पास आए हैं, समझ रही हैं, यही सब मुद्दा है, और क्या मुद्दा हो सकता है। वोट की चोट से इस बार भ्रष्टाचार के सिस्टम पर वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भ्रष्टाचार के सिस्टम पर हर चीज, हर बार तो यही सब बोलते हैं कि वोट दीजिए भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, हर कोई यही बोलता है, लेकिन आने के बाद और वोटिंग के बाद कुछ अलग माहौल अलग हो जाता होता है। हाँ। देखिए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अफजल है। निकाय चुनाव आ गया है, आप किन मुद्दों पर वोट देंगे, कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं यहीं कराने वाला हूँ। मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर? मुद्दा क्या है, अभी देखिए पहले जो था, अभी हाउसकीपिंग जो है सफाई सफाई है, 5 दिन 6 दिन के बाद आता है लोग, नाला में सफाई होता ही नहीं है, अगर सफाई करने के लिए बोला जाए तो बोलता है लोग कि पैसा देंगे तो सफाई होगा, ऐसा ऐसा काम होता है, लेकिन जो अच्छा काम करेगा, जिसको हम लोग चुनेंगे अच्छा समझ के, जिस पर विश्वास रहेगा उसी को वोट देंगे हम लोग, जिस पे विश्वास होगा उसको वोट जी। प्रत्याशी आ रहे हैं, क्या कुछ वादे करते हैं, और आपको क्या लग रहा है कौन सा प्रत्याशी अपने वादों पर खरा साबित होगा? जी अभी तो कुछ बता नहीं सकते हम लोग, आपस में हम लोग पूरा गांव के आपस में बात करेंगे, जिसको हम लोग चुनना रहेगा सबको एक ही आदमी को वोट देंगे। माँ चाचा से हमने बात की, चाचा कह रहे थे कि पहले मुखिया हुआ करते थे और वो कोई सुविधाएं नहीं देते थे, अध्यक्ष के जो अभी प्रत्याशी हैं वो भी आ रहे हैं और कई सारे वादे कर रहे हैं कि हम शिक्षा दे देंगे, हम बेटियों के लिए कई सारी सुविधाएं देंगे, महिलाओं के लिए कई सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन इन वादों पर खड़ा कौन उतरेगा? खरा अभी तो बता नहीं सकते कौन उठेगा, सब कोई तो यही बोल रहा है कि हम आएंगे तो मैं अपना जो कुर्सी मिलेगा हमको उसके बाद हम लोग सब काम करेंगे, ऐसे पर्ची लेके भी आ रहा है लोग, जो जो काम कराना है उसको दिखा रहा है लोग कि हम लोग घोषणा पत्र जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है इन्होंने ये दिखा रहे हैं जी, दिखा रहा है लोग घोषणाएं तो देखिए बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन वो घोषणाएं जो हैं उन घोषणा को पूरा कौन करता है? अभी के यूथ हो, किन मुद्दों पर वोट दोगे? अभी तो हम लोग का एजुकेशन चाहिए, यही सब जो नाला है ये, अब देखिए यहाँ तक नाला बन गया है, उसके बाद नहीं बना है, उसका स्लेप नहीं है, सब हम लोग का अपना पैसा से, मतलब जो नौजवान पार्टी से हम लोग करवाए हैं। लेकिन मुखिया जी जो थे यहाँ पे वो तो कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम करवाया, हमने सड़कें बनवा दी हैं, नाले बनवा, ये सब होता है, ये सब बोलता है लोग, जितना भी प्रत्याशी आ रहे हैं सब लोग बोलने के लिए हैं, लोग कोई काम करता नहीं है, सब मेन बात यही है, अब हम लोग चुनेंगे लोग, अब उसी में से जो जिसको वोट देना है तो हम लोग देंगे। व्यवस्था हथुआ नगर पंचायत में सही नहीं है क्या? सही नहीं है, वो तो एकदम सही नहीं है अभी के लिए। तो इसका असर निकाय चुनाव पर ही सिर्फ पड़ेगा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? अब उसमें देखने को मिलेगा। तो देखा आपने, इस गांव की जो जनता है काफ़ी त्रस्त है, क्योंकि यहाँ पे विकास जो है अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, और यहाँ पर पिछले जो 5 साल थे, या यूँ कह लीजिए कि जब तक मुखिया का यानी ग्राम प्रधानी का क्षेत्र लगा है तब तक यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, और जनता को अध्यक्ष प्रत्याशियों से थोड़ी बहुत उम्मीदें हैं, वो भी उन पर अगर खरे साबित होते हैं तो, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि जो प्रत्याशी हैं वो वोट मांगने के लिए तो आते हैं और जीतने के बाद जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं, वो क्षेत्र में ही नहीं जिले में ही पूरे दिखाई नहीं देते हैं, जनता जो है लोगों के घरों के चक्कर काटती रहती है, प्रत्याशियों के घरों के चक्कर काटती रहती है और वो वहाँ पर इनको टाल देते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर 9 तारीख को कौन से प्रत्याशी को वोट पड़ेगा, और 13 तारीख को जो काउंटिंग होगी उस काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि जनता ने अपना सेवक इस क्षेत्र से हथुआ नगर पंचायत से किसको चुना है और वो अपने वादों पर कितना खरा साबित हो रहा है। आगे ऐसी खबरें आप तक लाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए इन स्टूडियो के साथ।